हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 6 दिसंबर, ठीक है। और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आज डेली करंट अफेयर में आज अपन लोग पढ़ेंगे साप्ताहिक। पहले पहले किसकी पढ़ेंगे? साप्ताहिक डेली करंट अफेयर, ठीक है। कौन सी? साप्ताहिक। हाँ, करंट अफेयर, ठीक है। कब से कब तक के बीच में ये हम पढ़ेंगे? 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक की डेली करंट अफेयर, ठीक है। इस सप्ताह करंट अफेयर में जो भी इस हफ्ते के बीच में हुआ है उसके हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। एक वो है खिलाड़ी जिनका क्या नाम था, लियोनेल मैसी, ठीक है। लियोनेल मैसी ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी, मतलब इन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता। क्या जीता? विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता, जिसका क्या नाम था? बैलन डी लियोनेल मैसी ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ लिखना भूल गए, सॉरी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जिसका क्या नाम था? बैलन, ठीक है। किसने जीता? लियोनी मैसी ने जीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, बैलन डी, जिसका क्या नाम था? बैलन डी। दूसरा, पेट्रा फिलियन को गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। किसका? गणराज्य का, गणराज्य का नया पीएम। पेट्रो फियाला ने गणराज्य, चेक गणराज्य, इसके आगे चेक को लगाना है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। हर्षवंतनी जिसने, इन्होंने क्या किया? ने भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी। किसकी? भारतीय भारत पर्वतारोही, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की अध्यक्ष, ठीक है। ये भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी महिला, ठीक है। ये एक महिला है जो भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी, जो कि 14 साल इस फाउंडेशन में एक सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं, ठीक है। नायोमी कावेस, नायोमी कावेस भी यूक्रेन की, कौन बनी? कहाँ की बनी? गुडविल एम्बेसडर, गुडविल नायोमी कामेस्वनी न्यूक्रेन न्यूक्रेन न्यू क्रिको की गुड एम्बेसडर, ठीक है। कौन बनी? नायोमी काबेसिवनी यू ने की गुड एम्बेसडर, ठीक है। और स्मृति, क्या नाम? स्मृति माओ को कहाँ का नियुक्त किया गया? इनको भी
की ब्रांड है, गुडविट की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इनको न्यूक्रोन की गुडविल एम्बेसडर कहा गया और स्मृति मांधना को गुडविट की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, संजय दत्त को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, कहाँ किसको? संजय दत्त को। कहाँ का? संजय दत्त अरुणाचल का, अरुणाचल का ब्रांड एम्बेसडर। किसको? संजय दत्त को अरुणाचल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हो गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चीन ने फिलहाल में एक नया उपकरण, एक नया उपग्रह उपग्रह कौन सा? एक नया संचार उपग्रह लॉन्च किया, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जिंग वॉन्ग यांगसी 1D। ठीक है, ये इसका नाम है, ये नोट करिए, साप्ताहिक है। ठीक है, और इसके आगे और भी है। ठीक है, गीता, क्या नाम है? गीता गोपी गोपीनाथ, गीता गोपी नाथ, गीता गोपीनाथ को क्या नियुक्त किया? अंतर्राष्ट्रीय कोष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोष का निर्देशक या अध्यक्ष कह लो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्देशक, नियुक्त किया गया। किसको किया गया? गीता गोपीनाथ को किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष, या बोलो उप प्रबंधक, नहीं, मुद्रा कोष की पहली निर्देशक उप प्रबंधक लिख लेना यहाँ पे, उप प्रबंधक, और ये पहली बार है, मतलब अभी तक कोई पहली बार उप प्रबंधक निर्देशक नहीं बना, जो कि बनी गीता गोपीनाथ। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता, क्या नाम है? अंजू बॉबी, अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने क्या जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है वुमेन ऑफ द ईयर, ऑफ द एयर, किसी न किसी उसमें तो जीता होगा, वर्ल्ड एथलीट में जीता। किसमें जीता? वर्ल्ड एथलीट। वर्ल्ड एथलीट में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या मनाया गया था? 2 दिसंबर को मनाया गया था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कितनी तारीख को मनाया गया? 2 दिसंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया होगा। भारत सरकार ने सविता पत्रता, किसने? भारत सरकार ने, भारत सरकार द्वारा संविता पात्रा, भारत सरकार द्वारा संविता पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, किसका? भारतीय पर्यटन
विकास, निगम का अध्यक्ष किसको चुना गया? संबिता पात्रा को चुना गया। किसका? भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? भारत सरकार द्वारा संबिता पात्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये तो हो गया अपन का खत्म। ये किसमें आया? साप्ताहिक करंट अफेयर में आया था। गीता गोपीनाथ को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कोष का उप प्रबंधक निर्देशक। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया वुमेन ऑफ द ईयर। किसके तहत? वर्ल्ड एथलीट्स के तहत। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा सविता पात्रा को बनाया गया भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन। आज है 6 दिसंबर, तो अपन पढ़ेंगे 5 दिसंबर की करंट अफेयर। ठीक है, इसके बाद ये एक छोटा टॉपिक आज का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, ठीक है, जो कि रोज की तरह क्लास रहेगी। इंडोनेशिया का द्वीप किसका? इंडोनेशिया का द्वीप कौन सा द्वीप? इंडोनेशिया का जावा द्वीप। इसमें क्या हुआ? इसमें एक ज्वालामुखी है जिसका क्या नाम है? सुमेरु। जिसका क्या नाम है? सुमेरु ज्वालामुखी। इसका क्या होगा? इसमें हो गया विस्फोट। ठीक है, और ये विस्फोट क्या हुआ? इंडोनेशिया का द्वीप जहाँ का क्या नाम है? जावा। इंडोनेशिया के द्वीप जावा जहाँ का ज्वालामुखी सुमेरु ज्वालामुखी, जिसमें 4 दिसंबर को विस्फोट हो गया। क्या हो गया? फट गया। और यह कितनी ऊंचाई पे? और यह फट गया। ठीक है, इस यह जावा का, जावा द्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है? कौन सा है? सुमेरु। जावा द्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सुमेरु, जो कि 4 दिसंबर 2021 को फट गया। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से 12,000 फीट। 12,000 फीट से, 12,000 फीट है, और मीटर में कितना है? 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितने ज्वालामुखी? 130 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। कितने? 130 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। ठीक है, और इसको एक लाइन के तौर पे पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में जहाँ के सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सुमेरु, जो कि 4 दिसंबर 2021 को फट गया। ठीक है, और यह धरातल से, मतलब समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई 12,000 फीट या 3600 मीटर से अधिक है। यहाँ पे 130 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। ठीक है, और यह, इसमें एक पॉइंट और है, 1818 के बाद यह कितनी बार फट चुका है? 1818 के बाद 55 बार फटा। कौन फटा? सुमेरु ज्वालामुखी 55 बार फट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये किसकी, कहाँ पे स्थित है? ये है पैसिफिक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे अधिक, अत्यधिक भूकंप और ज्वालामुखी का सक्रिय क्षेत्र है, क्योंकि यह भूकंप रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यह भूकंप रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में यह स्थित है, जो कि भूकंपीय है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र का सक्रिय है। भूकंपीय रूप का सक्रिय क्षेत्र है, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये कहाँ पे? इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग फायर में स्थित है, जहाँ पे ये भूकंप रूप का सक्रिय क्षेत्र है। इसमें भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक मात्रा में स्थित है, जो कि फटते रहते हैं, और यह इस
यहाँ पे पैसिफिक रिंग क्या होता है, दो मतलब दो द्वीपों के बीच विस्तार। यहाँ पे मतलब धरती की जो गर्मी होती है ना वो निकलती है, ठीक है, जो कि ज्वालामुखी के रूप में जब टकराता है छोटे 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 ज्वालामुखी उत्पन्न है। और यहाँ का इंडोनेशिया द्वीप का जावा, जावा इंडोनेशिया की थी कि जावा द्वीप पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि सुमेरु है, जो कि जहाँ पे 130 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं, जो कि 4 दिसंबर को फट चुका है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, 3600 मीटर से अधिक है। 1818 के बाद यह 55 बार फट चुका है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित, जो कि भूकंप रूप का सक्रिय क्षेत्र है, जो कि जहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाएँ होती हैं, ठीक है। 5 दिसंबर को एक डे बनाया गया आर्थिक सामाजिक विकास के लिए। किसके लिए? आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और लिख देना आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वामी कौन सा बनाया गया दे? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वामी स्वयं सेवा डे डे मनाया गया। इसकी विषय वस्तु भी तो होगी, इसकी विषय वस्तु क्या है या इसका थीम बोलूं? विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु है वॉल्टर, वॉल्टर वॉल्टर नाउ फॉर, नाउ फॉर द ओवर कॉमन ऑफ कॉमन फ्यूचर। ठीक है, 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा डे मनाया गया। इसका विषय वस्तु क्या था? इसका थीम था वॉल्टर नाउ फॉर द ओवर कॉमन फ्यूचर, ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंडिया द्वारा, फ्यूचर इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के रूप में, किसकी? भारत की, भारत की सबसे शक्तिशाली वुमेन की सूची जारी हुई है, ठीक है। भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की, वुमेन्स की सूची जारी हुई है, जिसमें पहले नंबर पे सीतारमण, जिसमें पहले नंबर पर सीतारमण है, और दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी का नाम आया है। और नीता अंबानी द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा, नीता अंबानी क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा इन्होंने हेल्थ, जियो हेल्थ हब के माध्यम से, जियो हेल्थ किसके माध्यम से? जियो हेल्थ, जियो हेल्थ हब के माध्यम से इन्होंने 25 लाख टीके लगवाए। टीका कौन सा? COVID-19 टीके लगवाए, ठीक है। कितने? 25 लाख, 25 लाख लोगों को इन्होंने जियो टी जियो जियो हब जियो हेल्थ हब के द्वारा इन्होंने 25 लाख टीके लगवा, COVID-19 के टीके लगवा लोगों को। और इन ये नीता अंबानी को दूसरे स्थान पर रखा गया फ्यूचर ऑफ इंडिया द्वारा लिस्ट में जारी की, जिसका नाम है भारतीय सबकी सबसे शक्ति वुमेन्स की सूची, जिसमें सीतारमण पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी है, जो जियो हब हेल्थ हब द्वारा इन्होंने 25 लाख लोगों को टीके लगवाए, ठीक है।
राजस्थान द्वारा, भारत राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, एक योजना स्टार्ट की गई, ठीक है, एक योजना स्टार्ट की गई किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है? बैग टू वर्क, बैंक नहीं है, बैग टू वर्क है। बैक टू वर्क द्वारा ये राजस्थान सरकार ने योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? इसमें योजना का लक्ष्य है 15,000 महिलाओं को रोजगार देना, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 15,000 महिलाओं को रोजगार देना, ठीक है। और इसमें किन महिलाओं को रोजगार दिया जाए? इनमें वे महिलाओं को रोजगार दिया जो विधवा है। कौन कौन सी महिला है? विधवा, तलाकशुदा, ठीक है, विधवा हुई, तलाकशुदा हुई, हिंसा द्वारा पीड़ित, महिलाओं को, के महिला पीड़ित हो गया ना, पीड़ित महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये रोजगार उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने परिवार के लिए नौकरी छोड़ दी है, मतलब परिवार के संभालने के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी। उन महिलाओं को और उन महिलाओं के अलावा ये विधवा, तलाकशुदा और हिंसा द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है। जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, सरकारी प्राइवेट जो भी नौकरी छोड़ दी, उसके लिए इन लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है इस योजना के तहत, ठीक है। प्रदीप शाह ये कौन है? ठीक है, प्रदीप शाह को 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसके राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जिसका क्या नाम है? NA शॉर्ट फॉर्म RLC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। और उपाध्याय MP नहीं, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह भारत की पहली, इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने भी तो कुछ किया होगा तभी तो चुना गया। इनके द्वारा भारत की पहली, इंडिया की पहली, भारत की पहली क्या किया उन्होंने? भारत की पहली हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट की उन्होंने, भारत की सबसे पहली, ठीक है। HDFC, इसके अलावा HDFC और रेटिंग फॉर्म क्रिस्टल की स्थापना की, क्या की इन्होंने? स्थापना व का श्रेय मिला किसको मिला? प्रदीप शाह को। इन्होंने भारत की पहली हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी HDFC कंपनी और HDFC और रेटिंग फॉर्म क्रिस्टल की स्थापना का श्रेय है किनको? प्रदीप शाह को। तथा इनको इसलिए इनको राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, वरिष्ठ नौकरी साहब कौन? वरिष्ठ, रुकना 1 मिनट, इनका क्या नाम है? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को 4 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्रबंधक, ठीक है, राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, सॉरी राजमार्ग, प्राधिकरण, अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NHAT का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये उपाध्याय एमपी के कैलेंडर के, ये क्या कौन थी, एमपी के कैलेंडर 1980, सॉरी 1990 के बैच, 1990 के बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, कौन है, अलका उपाध्याय 1990 के आईएएस के बैच की का अधिकारी है। इनके ऊपर एक काम और, इनके ऊपर एक अतिरिक्त भार और है, अतिरिक्त भार, ये अतिरिक्त भार क्या है, सचिव ग्रामीण, क्या है, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, विकास विभाग। अलका उपाध्याय जिनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के, जिनको राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि एमपी के कैंडर के 1990 के बैच की आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं। और अतिरिक्त, इन पर एक अतिरिक्त भार और है, इनको वह सचिव ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त भार और है इनके ऊपर। यूपी के सीएम, यूपी के सीएम योगी द्वारा, यूपी के सीएम योगी द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में इन्होंने एक अर्थ स्टेशन, क्या नाम है, अर्थ स्टेशन, इसको कहेंगे अर्थ स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र के लिए अर्थ स्टेशन का निर्माण किया है, स्टेशन का निर्माण किया है। इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए, ठीक है, किसकी, दूरदर्शन केंद्र के लिए अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है गोरखपुर में, जिसको जो कि पूरी विदेश विश्व में लाइव संचार करेगा, सीधे माध्यम से संचार करेगा। इसमें क्या क्या है, इसमें एक चीज़ और है, इटावा में इन्होंने जब कोई दूरस्थित केंद्र स्थापित होता है तो इटावा, लखीमपुर, इटावा लखीमपुर खीरी, इटावा लखीमपुर खीरी के गार्ड निया और खाटनिया और बैराज, जिलों में, जिलों के नानपार में 10 10 किलोवाट के, क्या क्या है, 10 10 किलोवाट के 3 3 FM, 10 10 किलोवाट के कितने, 3 FM रिले केंद्र का निर्माण किया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी पूरे विश्व में फैलाने के लिए इन्होंने इटावा के लखीमपुर खीरी के गाड़वानी, इटावा मतलब इटावा में लखीमपुर खीरी के गाड़वन और वह राइच जिलों के नारापारा, मतलब इटावा लखीमपुर के खेराई और रायचपुर के जिले के नारापारा में 10 10 किलोवाट के 3 FM रिले केंद्र का स्थापना करी, किस माध्यम के द्वारा, अर्थ स्टेशन के माध्यम द्वारा, जिसमें इसकी लागत कितनी थी, इसकी लागत थी 7 करोड़ रुपए, ठीक है।
ठीक है, पाकिस्तान ने 4 दिसंबर को किससे, सऊदी अरब द्वारा, पाकिस्तान को सऊदी अरब द्वारा कितने 4 दिसंबर को कितना अरब ऋण दिया गया, 3 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर का ऋण दिया गया किसको, पाकिस्तान को 4 दिसंबर को सऊदी अरब में 3 अरब डॉलर का ऋण दिया गया पाकिस्तान को 4 दिसंबर को, ठीक है। और इसका सालाना ब्याज कुछ, अगर कोई ऋण देता है तो इसका सालाना ब्याज रहेगा 4%, ठीक है। इसके द्वारा इसको मिलाकर पाकिस्तान का विदेशी भंडार, विदेशी भंडार कितना हो गया, इसके द्वारा पाकिस्तान का विदेशी भंडार हो गया 22498.4 मिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर। इसके साथ ही पाकिस्तान का ये भंडार कितना हो गया, 22,498.4 मिलियन डॉलर इनका क्या हो गया, विदेशी भंडार हो गया, पाकिस्तान का विदेशी भंडार हो गया। आज कितनी तारीख है, भारत आज है 6 दिसंबर, ठीक है। छः दिसंबर को भारत के दौरे, 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर रूस के प्रधानमंत्री, रूस के पीएम, जिनका क्या नाम है, पुतिन, जिनका नाम भारत के दौरे पर यार रूस के प्रधानमंत्री पुतिन है, ठीक है। और ये छोटे छोटे पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में 100% टीका, कोविड 2 लोगों को 100% का टीका लगवाने का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने राज्य में अगस्त 2021 तक, अगर 2021 में पहली खुराक का 100% अंक प्राप्त किया, मतलब इन्हें 100 में से 100% लोगों को टीका लगा दिया, जो कि पहली खुराक का, मतलब जितने इनको टीके दिए गए थे इन्होंने अगस्त में इस चीज़ को पूर्ण कर लिया गया, ठीक है। वयस्क आबादी को इनने 100% टीका लगा दिया। बस आज के लिए इतना ही, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।